आखिर कुछ लोग, कुछ मुसलमान धर्म गुरु बनकर आखिर क्यों पहुंच जाते हैं? आप जानते हैं, ट्विटर पर एक ट्रेंड जो है इस वक्त चल रहा है, रेंटल मुल्ला, यानी कि 5,000-5,000 में कुछ मौलाना धर्म गुरु का भेस धरकर इन चैनल्स में बैठ जाते हैं। मैं रेंटल मुल्ला तो नहीं कहूंगा, मगर मैं इन्हें टीवी मौलाना कहूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, मैं जानना चाहता हूं कि जो न्यूज चैनल एक समुदाय को लगातार टारगेट करता रहता है, वहां पर इन मौलानाओं को जाने की क्या जरूरत है सिर्फ 5,000 रुपए के लिए? क्या आप जानते हैं, इन्हें एक घंटे में गालियां सुनने के लिए जो जाते हैं, इन्हें 5,000 रुपए मिलते हैं, उससे ज्यादा नहीं मिलते हैं। मैं कहता हूं कि अगर आपकी रोजी रोटी भी इन 5,000 रुपए से चलती है, तो भाई आप क्राउड फंडिंग करके बात करो लोगों से। ये किस तरह की सोच है? आप, मैं ये जानना चाहता हूं कि ये लोग इस नफरती एजेंडे को आगे क्यों बढ़ा रहे हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। कुछ दिनों पहले एक मिसाल सामने उभर कर आई थी कि एक मुस्लिम लड़की गीता के श्लोक पढ़ रही थी, और यकीन मानिए दोस्तों, जब वो लड़की गीता के श्लोक पढ़ रही थी ना, तो बहुत खूबसूरत लग रहा था। अब एक न्यूज चैनल ने क्या चालाकी की, उस लड़की को बिठा दिया स्टूडियो में, और उसके सामने दो लंबी लंबी दाढ़ी वाले मौलाना बिठा दिए, और उस पूरे एक घंटे के कार्यक्रम में वो मासूम लड़की तो गीता के श्लोक पढ़ रही थी, और वो दो मौलाना जो हैं बोल रहे थे, देखिए हमारे इस्लाम में ये अलाउड नहीं है, ये नहीं है, फलाना ढिमकाना। अब आप सोचिए, ये तस्वीर जब दिखाई जाती है तो इसका क्या फर्क पड़ता है आम जनमानस पर? उन दो मौलानाओं को वहां जाने की क्या जरूरत थी? यही तो एक खूबसूरती है ना इस देश की, जहां मुसलमान गीता के श्लोक पढ़ सकता है, जहां एपीजे अब्दुल कलाम को हम अपने माथे पर, हम तेज सराखों पर बिठाते हैं, जहां आज की तारीख के तीन बड़े सुपरस्टार्स तीनों मुसलमान हैं। यही तो खूबसूरती है ना इस देश की। क्या ये टीवी के मौलाना इस बात को नहीं समझते? आखिर क्यों चंद रुपयों के लिए तुम उन न्यूज चैनल्स पर जाके बैठ जाते हो और पूरे कौम को बदनाम करते हो? मैं आज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इन्हीं न्यूज चैनल्स पर जब पालघर लिंचिंग को हिंदू मुस्लिम बनाने की कोशिश की जा रही थी, ये टीवी मौलाना वहां जाकर बैठ जाते हैं। आखिर क्यों? ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप इनके परिवार के सदस्य हैं तो इनसे बोलिए कि ऐसा शर्मनाक काम न करें, क्योंकि इसके जरिए सिवाय समाज के अंदर दोहराव पैदा करने के और कुछ नहीं हो रहा है, सिवाय मुसलमानों की बदनामी के कुछ नहीं हो रही है इसके जरिए।